4 yıldır hapisteydim. 4 senedir senin yüzünden hapis yatıyorum ben. Neredesiniz ya? Oo, hoş geldin. Siz de mi aileden? Evet, aileden. Bizim küçük birader. Hello friends, welcome back to my channel. So friends, Baba series की episode 3 की story तो बहुत ही ज़्यादा interesting होती जा रही है. Our friends, finally, Kadir अपने बाबा के साथ रहने के लिए मान जाता है. कादिर और इसके बाबा एक गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं और वह गाड़ी ख़राब हो जाती है. तो ईमान सरहानली कादिर से कहते हैं कि क्या तुमने आने से पहले अपनी गाड़ी चेक नहीं की थी, तुम बहुत ही लापरवाह इंसान हो. तो फ्रेंड्स कादिर इनसे कहता है, आप जानते हैं ना कि मैं पिछले 4 सालों से जेल में था. मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल जेल में गुजारे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है. और फ्रेंड्स ईमान सरहानली कादिर से कहते हैं कि हर किसी को इसके किए की सज़ा मिलती है. हमें अपनी ज़िंदगी से बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है और हमें इन सब की कीमत भी अदा करनी पड़ती है. तो फ्रेंड्स जब कादिर ऑफिस में पहुंचता है तो सब इसे वहां देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं. कादिर का भाई इसे वहां पर वेलकम करता है. और फ्रेंड्स इल्हान कादिर को वहां देखकर इससे पूछता है कि क्या तुम भी इसी फैमिली के एक हिस्सा हो. तो कादिर कहता है कि जी हाँ. और सरवत इल्हान को बताता है कि ये हमारा सबसे छोटा भाई है. तो इल्हान कादिर से कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, अब तो हम अक्सर ही मिला करेंगे. और इधर फ्रेंड्स फजीलत आंटी बच्चों के स्कूल के बारे में डिस्कस करती हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा. तो यूसुफ कहता है कि अब तो हम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए हैं, अब से हम पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाएंगे. तो फ्रेंड्स फजीलत आंटी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो. आफ्टर डैट फ्रेंड्स कादिर अपने बाबा के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा होता है. और इस बार फ्रेंड्स गाड़ी कादिर के बाबा ईमान सरहानली ड्राइव कर रहे होते हैं और कादिर अपने बाबा के कंधे पर सर रख कर सोया होता है. तो हो सकता है फ्रेंड्स कि इनका वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए. और फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा.